Hello students, welcome to Soft Skills, the second part of the Unit 1 of Communication Skills for Professionals. इसके अंदर आपके अलग-अलग topics जो हैं वो syllabus में लिखे हुए हैं, एक-एक करके हम इन्हें cover करेंगे. पहला है personality development, which is basically the process of developing and enhancing one's personality. इसके आगे आप मेरे ख्याल से खुद ही लिख लोगे कि कब personality development कैसे करते हैं और उसके लिए क्या-क्या चीजें required हैं, वो हम आगे करते हैं. उसके बाद है आपका time management, जिसमें आपको कुछ-कुछ कहानियां बनानी होंगी कि Pomodoro technique के बारे में आप लिख सकते हो. Pomodoro technique क्या होता है? कि बेसिकली आप 25 मिनट्स तक काम करते हैं और 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं. 25 मिनट्स तक काम करते हैं, 5 मिनट्स तक का ब्रेक लेते हैं. ऐसा जब चार बार कर लेते हैं तो आप आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं. इस चीज को आप लिख सकते हो आराम से, एक पेज तक आप इसको खींच सकते हो. टाइम मैनेजमेंट के एक काफी अच्छा तरीका है. और भी ऐसी चीजें कि टाइम से पहले कहीं निकल जाओगे तो टाइम पे पहुंच जाओगे, ये सब आपको कहानियां आप बनानी आती हैं. उसके बाद टीम बिल्डिंग, इसमें एक वर्ड होता है इंटरडिसिप्लिनरी. टीम बिल्डिंग के अंदर आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो, इंटरडिसिप्लिनरी, जिसका मतलब होता है कि अलग अलग साइंसेस के, अलग अलग जगहों के. जैसे मान लो कि कोई, अब अगर आप कोई ऐप बना रहे हो तो एक बंदा ऐप डेवलपर है, एक बंदा वेब डेवलपर है, एक बंदा मैनेजर वगैरह है, एक बंदा मार्केटिंग में है. सो इससे अलग अलग टाइप के स्किल्स, अलग अलग डिसिप्लिन्स जो हैं वो आपकी टीम में आ चुके हैं. और ये टीम बिल्डिंग का एक फाउंडेशन होता है कि आप अलग अलग लोगों के स्किल्स को पहचान सको और अलग अलग स्किल्स के लोगों को एक साथ वर्क करवा पाओ. फिर लीडरशिप स्किल्स जो है वो उसी से काफ़ी हद तक लिंक्ड है, जिसमें आप, अगर वैसे तो दोनों पूछे जाएंगे नहीं तो इसी का उसमें लिख देना. लीडरशिप स्किल्स के अंदर ये भी हो जाता है, आप ये लाइन भी यूज़ कर सकते हो कि टू बिकम अ ग्रेट लीडर वन मस्ट लर्न फर्स्ट. फिर आता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस. आपने आईक्यू के बारे में सुना होगा, जो किसी के भी लॉजिकल ब्रेन को एक तरह से एक नंबर के फॉर्म में डिनोट कर पाता है, मार्क कर पाता है. वैसे ही ईक्यू होता है जो किसी की इमोशनल इंटेलिजेंस को करता है कि उसकी एम्पैथी कैसी है. अब एम्पैथी वर्ड का क्या मतलब है? एम्पैथी वर्ड का मतलब है कि जब आप किसी को देखो और आप उससे रिलेट कर पाओ. सिंपैथी नहीं, एम्पैथी. तो जैसे सिंपैथी होता है कि किसी और के लिए बुरा लगना, और एम्पैथी होता है कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे कैसा लगता है, ये कर पाना. तो अगर आपका एम्पैथी हाई है तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी हाई हो जाएगा. और ईक्यू के अंदर और भी चीज़ें आती है कि आप दूसरे लोगों से कम्युनिकेट कैसे अच्छे से कर पाते हो, अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल में रख पाते हो, अपने आप को कितना अच्छे से असेस कर पाते हो. तो उसके लिए हम आगे वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं, सेल्फ असेसमेंट एंड अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस बेसिकली होता है कि आपको पता हो कि आप में क्या खामियां हैं. अब ये सबको पूरी खामियां तो पता नहीं हो सकती, पर आपकी तरफ से पूरी कोशिश रहे कि आपको पता चलता रहे, जिससे आप एक कॉन्स्टेंट फेज ऑफ इंप्रूवमेंट में रहें. ये चीज़ें आपको एग्जाम में लिख के आनी है, ये असल में तो. फिर है आपका परसेप्शन, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड बिलीव, सेल्फ इस्टीम. अब ये सब पे बहुत ज़्यादा कोर्स चाहिए, तो अभी व्हाट्सएप खोल के देख लो, आपके कुछ 4-5 एजी दोस्तों ने स्टेटस में डाल ही रखे होंगे. फिर पर्सनल गोल सेटिंग को अगर देखा जाए तो बेसिकली आप टारगेट्स बनाओ. एक दिन में चाहे 3 टारगेट्स बनाने का रखो या कुछ भी रखो आप, मतलब बेसिकली ना ये ऐसी चीज़ें हैं कि मैं अभी आपको कुछ बना के बोल सकता हूँ, आप कुछ बना के वहाँ लिख सकते हो. सो इट्स बेसिकली जिसको जो पसंद आए, ये सबको पता ही है कि कैसे लिखना है. करियर प्लानिंग के अंदर आप अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स बनाते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आप में क्या स्किल्स हैं और आपको क्या पसंद नहीं है, और उससे आप एक करियर प्लान कर सकते हैं. अब इस चीज़ के लिए आप वहाँ, हो सकता है एग्जाम में अगर बहुत बड़ा पूछ ले तो आप ऐसा कुछ बना भी देना, आपके हाथ में है. ये सब काफ़ी फ्लेक्सिबल क्वेश्चन होते हैं. गोइंग ओवर टू स्वॉट एनालिसिस. अब ये जो है ये आपका फ्लेक्सिबल क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको यही बनाना पड़ेगा. अब ये क्या है? सो बेसिकली इसमें ना 4 फेजेस होते हैं. अब स्ट्रेंथ्स क्या होते हैं कि जो भी आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और आपके लिए हेल्पफुल है. अब आपको मैं एक कंपनी के फॉर्म में बता देता हूँ कि स्ट्रेंथ्स कैन बी एन इंटरडिसिप्लिनरी टीम. हमने ये वर्ड पढ़ा था पहले, इंटरडिसिप्लिनरी, उस वर्ड को एक्चुअली याद कर लो, आपको कल लिख के आना है चाहे कहीं भी और बस ठूस आना. सो इंटरडिसिप्लिनरी टीम होनी चाहिए, दैट्स अ स्ट्रेंथ. पास्ट वर्क एक्सपीरियंस होना, दैट्स अ स्ट्रेंथ. तो ये जो चीज़ें जो आपकी टीम के अंदर, जो आपकी कोर वैल्यूज में लाई करती हैं और आपकी टीम को हेल्प कर रही हैं, वो है स्ट्रेंथ. अपॉर्चुनिटीज इससे डिफरेंट कैसे है? अब स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी में अगर आपसे डिफरेंस पूछ ले तो बेसिक डिफरेंस ये होता है कि ये आपकी टीम की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है और ये एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, एक्सटर्नल ओरिजिन होता है इसका. अब अपॉर्चुनिटी क्या है? जैसे कि मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं अपॉर्चुनिटी देख लिया कि इट्स अ फर्स्ट टू मार्केट प्रोडक्ट. मैंने कुछ ऐसा सोच लिया है जिसका अभी तक इंडिया में मार्केट ही नहीं है. सो दैट्स एन अपॉर्चुनिटी, इट्स नॉट अ स्ट्रेंथ ऑफ माई बिजनेस, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर माई बिजनेस. अब हार्मफुल में चले जाते हैं. एक वीकनेस है कि मान लो मेरे कंपनी में क्या वीकनेसेस हैं. अब ये जो है ये एक्सटर्नल नहीं होता, ये इंटरनल होता है, क्योंकि वीकनेस और स्ट्रेंथ्स मेरे अंदर हैं, बाहर नहीं. अब वीकनेस क्या हो सकती है एक कंपनी की? तो आप देख सकते हैं, जैसे लैक ऑफ एक्सपीरियंस एक वीकनेस हो सकता है किसी भी कंपनी का, कि मान लो पहला कोई स्टार्टअप कर रहा है तो उसके लिए वो एक वीकनेस है. थ्रेट्स क्या हैं? अब थ्रेट्स क्या हैं? तो मान लो अगर आपकी कंपनी फर्स्ट टू मार्केट नहीं थी, ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो लाए कर रहे हैं, तो उनको आप थ्रेट्स मानोगे, या पोटेंशियल कॉम्पिटिशन्स जो हैं उनको आप थ्रेट्स मानोगे.
कुछ भी चीज़ें थ्रेट्स में आ सकती हैं, बस वो एक्सटर्नल होनी चाहिए। आई गेस मैं स्वॉट एनालिसिस आपको क्लियरली समझा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं जोहारी विंडो ऑफ सेल्फ एनालिसिस में। जैसे हमने सेल्फ एनालिसिस की बात की थी, उसको एक करने का एक तरीका है ये। अब इसमें क्या है कि आप कुछ फैक्ट्स है आपके बारे में जो आपको पता है और दूसरों को भी पता है, तो वो हो गया ओपन। उसमें आप यहाँ पर सिर्फ ओपन लिख सकते हो। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है अपने बारे में पर दूसरों को नहीं पता है। अब कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आप अपने पास सीक्रेट रखते हैं, जो किसी को भी नहीं बताते हैं अपने बारे में, बस आपको पता होता है कि इन चीज़ों में आप कैसे बिहेव करते हैं, तो उस चीज़ के अंदर उसको आप हिडन कह सकते हैं। पर बात यह है कि आप अपने बारे में सब कुछ जानते नहीं हैं, और कुछ दूसरे लोगों को शायद आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें दिखती होंगी जो आपको नहीं दिखती, तो वो आता है ब्लाइंड सेल्फ, क्योंकि वो आपको नहीं दिख रहा है पर दूसरों को दिख रहा है, आप उस फैक्ट के लिए ब्लाइंड हैं। और फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके इतनी अंदर हैं कि ना दूसरों को दिख रही हैं ना आपको दिख रही हैं, वो है आपका अनडिस्कवर्ड सेल्फ, जो आपका चौथा आ जाता है जोहारी विंडो ऑफ सेल्फ एनालिसिस में। सो दिस वॉज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जोहारी विंडो। आपको समझ सा आ ही गया होगा, आपको बस बेसिकली नोन टू सेल्फ, अननोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स, अननोन टू अदर्स याद रखना है, बाकी तो अपने आप यहाँ पे फिल इन कर लोगे।